पवन सिंह के 2 छठ गीत रिलीज हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी है, और तीसरे का पोस्टर देख के काफ़ी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि ले लो पुदीना के तर्ज पर जब सावन में पवन सिंह ने भोले बाबा का एक गाना लाया था तो लोगों को बहुत पसंद आया, और अब लोग सोच रहे हैं कि छठ मैया के लिए भी कुछ इसी तर्ज का गाना लेकर आने वाले हैं पवन सिंह। और ऐसे में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक म्यूज़िक कंपनी ने इसी हिसाब का पोस्टर लगाकर दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया और पवन सिंह का पुराना कोई छठ गीत रिलीज़ कर दिया। ऐसे में उस म्यूज़िक कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ और जो आज पवन सिंह का सोनू निगम के साथ रिलीज़ हुआ है गाना, उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ इस गाने को आ गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस गाने को 6 घंटे में 1.8 मिलियन व्यूज़, यानी कि 6 घंटे में इसे 18 लाख लोगों ने देखा है, और सिर्फ इस पोस्टर की वजह से। ये सारा कुछ सिर्फ इस पोस्टर की वजह से हुआ और लोगों को लगा कि पवन सिंह का ये धमाकेदार वीडियो है, ये गाना है, और लोग तुरंत के तुरंत इस गाने को देखने के लिए इस पर क्लिक किए। और उसके बाद पवन सिंह का कोई पुराना गाना इस पर रिलीज़ किया गया था, लेकिन दर्शक पवन सिंह के जो दीवाने हैं वो इससे कोई गुरेज न किए, इससे कोई गुरेज नहीं किए। थोड़ा गुस्सा कुछ दर्शकों में दिखा, लेकिन बाद में उन्होंने उनके इस गाने को भी ढेर सारा प्यार दिया। ओल्ड इज गोल्ड के कई ऐसे मैसेजेस इस बॉक्स में छोड़े गए, यानी कि ये जो गाना रिलीज हो गया उस पर कई अच्छे अच्छे कमेंट भी लोगों ने किए, क्योंकि भाई पवन की आवाज़ हर जगह हर एक गाने में बेमिसाल होती है, फिर वो चाहे नए गाने हों उनके या पुराने। क्या कहेंगे हमारी इस स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।